Hello dears, welcome back. I'm Varun Agarwal and this is your YouTube channel Mantra of the Biology. So हमने previous lecture में start किया था Protista Kingdom, जहाँ हमने उसके कुछ basic features के बारे में जाना, like they are all are the eukaryotic and the unicellular. मतलब अब एक eukaryotic जो की शुरुआत है वो Protista Kingdom से ही की गई थी. तो इस यूकेरियोटिक का मतलब है लाइक दे हैव ऑल द मेंबर, दे हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड स्लोली जो सेल ऑर्गनल्स हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल्स हैं, उनका फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो चुका होता है. सारे नहीं पाए जाते, लाइक जैसे कि हमारी सेल्स भी यूकेरियोटिक है, प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनकी भी जो सेल है वो भी यूकेरियोटिक है. सो क्या दोनों में ही सेम फीचर है? ऑल काइंड ऑफ द सेल्स हैव द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गनल्स, ऐसा नहीं है. ठीक है, यहाँ से यूकेरियोटिक सेल्स का बनना स्टार्ट हुआ है. तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड हो चुका है, फिर अब स्लोली एंड स्लोली अब नए नए सेल ऑर्गनल्स बनेंगे. मतलब डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो चुका होता है, क्योंकि जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि यूकेरियोटिक में वेल डिफाइंड सेल ऑर्गनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो एक क्वेश्चन हमारा मन में आना स्वाभाविक है कि क्या दोनों में ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सॉरी वेल डिफाइंड ऑर्गनल्स प्रेजेंट होते हैं? ऐसा नहीं है. प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड ऑर्गनल्स की बनना स्टार्ट करता है. तो सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियस को वेल डिफाइन कर लेता है, मतलब न्यूक्लियस को वेल डिफाइन कर लेता है. ऑर्गनल्स को अभी सारे वेल डिफाइन नहीं हुए हैं, ये वेल डिफाइन होना स्टार्ट होते हैं. ओके, सो एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द फ्यू मेंबर्स लाइक क्रायोफाइट्स एंड एज वेल एज डायनोफ्लेजलेट. तो क्रायोफाइट्स में आपके बेसिकली दो मेंबर्स आते हैं, डेस्मिड एंड द डायटम्स. ये दोनों ही लाइक क्रायोफाइट्स एंड द डायनोफ्लेजिलिटी दोनों ही एल्गी है. ठीक है, ये हमने स्टडी किया था. और एल्गी है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सो दे कैन कैप्चर द सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे कैन मेक देयर ओन फूड. सो दैट्स व्हाई दे बेसिकली कंसिडर एज ए फाइटोप्लैंक्टन. ओके, सो इन टुडे लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा, यूग्लेनॉइड, स्लाइमॉइड एंड द प्रोटोजोन्स. यूग्लेनॉइड ऑर्गेनिक एल्गी है. ओके, स्लाइमोल्ड को बेसिकली एज ए फंगस की कैटेगरी में माना जाता था, बिकॉज इनका जो नेचर होता है कुछ फंगस से मैच करता है. बिकॉज द स्लाइमोल्ड बेसिकली सेप्रोफाइटिक नेचर रखते हैं, इवन इनमें क्रीपिंग मूवमेंट पाया जाता है. जैसे फंगस ग्रो करती है वैसे भी ये भी ऐसे ही ग्रो करते हैं. ओके, एंड बट जब धीरे धीरे रिसर्च होने लगी तो ये फाइंड आउट किया गया कि स्लाइम मोल्ड की कुछ प्रॉपर्टी है नो डाउट जो फंगस से मैच करती है, बट सारी प्रॉपर्टी इसकी फंगस से मैच नहीं करती है. ओके, कुछ प्रॉपर्टी मैच करती है बट सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है, इसलिए इसको फंगस में रखना बिल्कुल सही नहीं होगा. तो इसलिए इसको फंगस किंगडम में ना रख के इसको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया, बताने के लिए कि फंगस की शायद कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से हुई है. ओके, एंड द नेक्स्ट मेंबर इज द प्रोटोजोन्स. दे आर बेसिकली कंसिडर एज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द एनिमल्स. देखिए, हमने जो अब इसमें पांच मेंबर्स आते हैं, क्रायोफाइट्स, पहला क्रायोफाइट्स है जिसमें हमें डेस्मिड और डायटम, फिर डायनोफ्लेजिलेट एंड यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स. ये सब पांच मेंबर्स किसी ना किसी लिविंग स्पीसीज के प्रिमिटिव फॉर्म को शो करते हैं. जैसे कैसे, अब देखिए क्रायोफाइट्स, यूग्लेनॉइड और डायनोफ्लेजिलेट, इनिशियली ये थ्री मेंबर्स दे आर द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द प्लांट, बिकॉज ये एल्गीज और एल्गीज से प्लांट का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, स्लाइम मोल्ड, ओके, दैट यू कैन कंसिडर द स्लाइम मोल्ड इज ऑल कंसिडर दैट स्लाइम मोल्ड इज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द फंगस. ओके, प्रोटोजोन्स, इट इज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द एनिमल्स. इसलिए जो प्रोटोजोन्स के बाद में जो रिमेनिंग किंगडम्स आते हैं उन किंगडम्स का लिंक कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा से जुड़ा हुआ है. इसलिए जब हमने उसके बारे में आपको पढ़ाया था तो प्रोटो लाइक आपके इसी प्रोटिस्टा से ही हमें दिखाया था कि फर्दर डेवलपमेंट कैसे फंगस किंगडम का हुआ, एनिमल किंगडम का हुआ, प्लांट किंगडम का हुआ. सो इसलिए इन सब की जो शुरुआत है, इन सब की जो जड़ है वो प्रोटोजोन से है, प्रोटिस्टा से है. ओके, कभी कभी हो जाती है स्लिप, टंग स्लिप हो जाती है. सो इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा से है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूग्लेनॉइड.
यूग्लेनॉइड आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट एंड जनरली प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। देखिए ये हमेशा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर में भी स्टैगनेंट वाटर। अब ये स्टैगनेंट वाटर क्या होता है? स्टैगनेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। देखिए फ्रेश वाटर की दो टाइप की वैरायटी होती है, एक होता है स्टैगनेंट वाटर, एक होता है रनिंग वाटर। स्टैगनेंट वाटर होता है ठहरा हुआ पानी, और रनिंग वाटर होता है मूव करता हुआ पानी। स्टैगनेंट वाटर में क्या आता है? लेक आता है, पोंड आता है, ये आपके होते हैं स्टैगनेंट वाटर, ठीक है। और जो आपके रनिंग वाटर होते हैं उसमें आपकी रिवर आती है, सी आता है, ओशंस आते हैं, ओके। ये आपके रनिंग वाटर्स आते हैं, ओके, ये रनिंग वाटर की कैटेगरी में आते हैं। सो यूग्लेनोड जनरली प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर की कैटेगरी में, क्लियर। यूग्लेना इज द लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल बिकॉज दे शो द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। अब ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, शायद मैंने ये वर्ड पहले भी कहीं आपसे डिस्कस किया था। दिस इज अ लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल। अब ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? लेकिन ये फर्स्ट प्लीज ये याद रखिएगा कि प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक क्या है, वो है यूग्लेना। अब ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है मिक्सो। मिक्सो मतलब कि दो चीजों का मिक्सअप है। देखिए मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? यूग्लेना दो तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। कैसे? फोटो ऑटोट्रॉपिक में अगर इनको सनलाइट मिल जाती है तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और अगर सनलाइट नहीं मिलती है तो ये किसी भी अदर एनिमल पे डिपेंडेंट होके वहां से खाना ले लेते हैं। सो इट मीन्स दे शो द टू टाइप्स ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वन द ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन द हेटेरोट्रॉपिक, क्लियर। तो इट मीन्स और हेटेरोट्रॉपिक में भी ये क्या करते हैं, ये फूड को बाहर से लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। समझ में आ गया आपको? ये बाहर से फूड लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैच विद द एनिमल्स, और ऑटोट्रॉपिक की जो प्रॉपर्टी है वो प्लांट से मैच करती है। तो दोनों के बीच की कड़ी है जो यूग्लेनॉइड, ओके। सो दैट्स व्हाई अगर इनमें सनलाइट को कैप्चर करने की प्रॉपर्टी है, सो नो डाउट दे कंटेन्स अ पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए एंड बी उनमें प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। जब सनलाइट प्रेजेंट होती है देन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूग्लेनोइड स्ट्रक्चर। देखिए यूग्लेना में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ओके। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच एयर दैट इज कॉल्ड द पेलिकल, ओके, जो इसको फ्लेक्सिबल बनाती है लाइक फ्रेश वाटर में स्विमिंग के लिए, ओके, इसको फ्लोट करने के लिए, या कह सकते हो फ्लोट करने के लिए उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। इसमें दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा होता है दूसरा बड़ा होता है, और हमने पहले बोला था इस टाइप के कंडीशंस को बोलते हैं हेट्रोकोन टाइप ऑफ द हेट्रोकोन फ्लैजेला। जो लार्ज फ्लैजेला होता है इट कंटेन हेयर्स काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस, ओके। देखिए ये यूग्लिना है, यह आपका एक छोटा सा यूग्लिना है। अब इस यूग्लिना से जो बाहर की जो लेयर है दैट इज अ कॉल अ पेलिकल, जिसे प्रोटीन लिच लेयर होती है। अब इससे एक फ्लेजला निकला है जो कि स्मॉल है, और एक दूसरा फ्लेजला निकला है जो हेरी टाइप का है, जिसको बोलते हैं हम टिन्सल फ्लेजला, हेरी फ्लेजला, और कह सकते हो लेंथ वाइज इट इज ए लार्ज, ओके। ये हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, क्लियर हो गया। दिस इज लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको भी यूग्लेना का दिखा है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ कंपोनेंट्स में बाकी हैं। मूवमेंट ऑफ फ्लेजला इज बेसिकली कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। एंड देखिए जो बैक्टीरिया में जो फ्लेजला थे उसका जो मूवमेंट था वो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज न्यूक्लियस ही नहीं होता, नो डाउट, ओके। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो जब उसमें न्यूक्लियस होगा ही नहीं, देन जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका जो मूवमेंट है वो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर सकता। बट अब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, देन न्यूक्लियस कंट्रोल करता है फ्लेजला का मूवमेंट को, ओके, जिसकी वजह से इनमें जो मूवमेंट होता है वो और भी ज्यादा बेटर होता है। सो वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है यूग्लेना में, दिस इज द प्रेजेंट ऑफ द आई स्पॉट, जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। अभी आई स्पॉट क्या करता है, लाइट सेंसिटिव होती है, ओके। देखिए क्या होता है, हम जैसे ये आई स्पॉट एक हाईली हैवीली पिगमेंटेड रीजन होता है सर्टेन वन ऑर्गेनिज्म दैट अपेरेंटली फंक्शन इन द लाइट रिसेप्शन, सो इट इज अ लाइट सेंसिटिव रीजन। ये हाईली पिगमेंटेड रीजन होता है जो यूग्लेना में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं आई स्पॉट, ये सेकंड नेम है इसका स्टिग्मा। ये सनलाइट की प्रेजेंस में एक लाइक रेस्पॉन्स देती है, लाइट रिसेप्शन का फंक्शन प्रोड्यूस करती है, ओके।
एंड सो ये लाइट सेंसिटिव रीजन है। साइट लाइट सेंसिटिव रीजन होने का मतलब ये है कि ये लाइट की प्रेजेंस में मूव करते हैं। जैसे कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये युग्लिना है, ठीक है, ये युग्लिना है और यहाँ पे इसका एक आई स्पॉट है। तो जैसे ही आई स्पॉट लाइट की प्रेजेंस में लाइट को ट्रैप करता है, तो जैसे जहाँ लाइट दिखती है तो वो लाइट की डायरेक्शन पे ये मूव कर सकता है, बिकॉज वो लाइट सेंसिटिव एरिया है। देखिए अब आपको दिखाते हैं, आपको दिस लाइट सेंसिटिव रीजन इन्फ्लुएंस द फेजरल मूवमेंट इन सच ए मेनर मैनर दैट द ऑर्गेनिज्म मूव टूवर्ड्स अ लाइट। मतलब ये जो लाइट सेंसिटिव रीजन है वो फ्लेजलर का के मोशन को इतना इन्फ्लुएंस करता है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि ऑर्गेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में मूव कर सकता है। ओके देखिए इसमें ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके ये स्टिग्मा, ये दिख रहा है आपको, ये स्टिग्मा दिख रहा है आपको, ये स्टिग्मा इसका ये आई स्पॉट है। यूलिना शो द वेरियस स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक जो ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ में मैच करती है। आपको देखिए कुछ बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स होती है जो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक के साथ इसकी मैच करती है। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक हमने पहले डिस्कस किया कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, केवल एक प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। इट हैज ए साइटोसोम विच इज सिमिलर टू द माउथ ऑफ द ह्यूमन। मतलब जैसे यूग्लिना का काम क्या होता है, यूग्लिना को अगर फूड लेना होता है, मतलब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करना होता है, तो यूग्लिना क्या करता है कि वो फूड को लेता है तो अंदर अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। तो हम फूड कैसे लेते हैं, हमने फूड लिया तो वो माउथ में रखते हैं, फिर वो हमारे फेरिंग से होता हुआ नीचे डाइजेशन सिस्टम में जाता है। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम यूग्लिना में होता है, मतलब इसमें साइटोसोम होता है। साइटोसोम मतलब एक माउथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक माउथ होता है ऊपर की तरफ जहां से वो खाना अंदर लेता है, ठीक है। फिर इसमें एक साइटोफेरिंग होता है जो कि हमारे ह्यूमंस के फेरिंग्स लाइक जो ह्यूमन की जो फेरिंग होती है, ये जो ह्यूमन की फेरिंग होती है इसके कुछ सिमिलर होती है। देखिए ये तो हमने इस पिक्चर को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि लार्ज फिलेजला, स्मॉल फिलेजला, हेट्रो काइंड ऑफ नेचर एंड ये सब हमने देखा है। अब हम जो रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके जो रिमेनिंग जो ऑर्गेनल्स हैं, अब उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए दिस इज द साइटोफेरिंग, ये साइटोफेरिंग है इसे यूग्लिना में, इसमें ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। क्या होता है कि कभी कभी यूग्लिना में जो ऑस्मो रेगुलेशन, इट मीन्स ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अदरवाइज क्या होगा कि ऑस्मो रेगुलेशन अगर नहीं मेंटेन हो पाया तो इन दैट केस व्हाट में हैपन कि लाइक यूग्लिना की जो सेल होती है वो लाइक बर्स्ट हो सकती है या श्रिंक हो सकती है। दोनों कंडीशंस ना क्रिएट हो तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपने जो जनरली प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होता है, जो भी हम देखेंगे ये उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ये जैसे होता है ना स्पंज की तरह, मतलब पानी को लेके फिर बाहर निकाल देता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब इस तरह का मोशन करता है। वैक्यूल मतलब कुछ किसी चीज को स्टोर करने वाला, तो जैसे अगर वाटर आया तो उसको ऐसे मतलब इसको सिंक करके एकदम से बाहर निकाल देता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट करता है जिसकी वजह से इसमें ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहता है। ये इसके अंदर आई स्पॉट प्रेजेंट है। ओके ये देखिए ये ऊपर इसका साइटोसोम है जो कि एक माउथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके तो ये सब क्लियर हो गए। इसके अंदर याद रखिएगा डिश शेप का एक क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके यूग्लिना में रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो यूग्लिना शो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूग्लिना में एब्सेंट होता है। ये वर्ड याद रखिएगा। द बाइनरी फ्यूजन इज प्रेजेंट इन यूग्लिना एंड दे शो द बाइनरी फ्यूजन ओनली इन द फेवरेबल कंडीशंस। ये देखिए फेवरेबल कंडीशंस में ही यूग्लिना बाइनरी फ्यूजन को शो करता है। एंड द सिस्ट फॉर्मेशन अकर इन द अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है सिस्ट अगर आपको याद हो तो हमने बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था उस वक्त हमने ये एंडोस्पोर सिस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। जो सिस्ट याद हो तो सिस्ट में क्या होता है, पूरी की पूरी जो सेल होती है एक सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, शायद आपको याद हो तो एक हार्ड लेयर बना लेती है जिससे ये अपने लॉन्ग टाइम तक अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं। अब दिस इट वॉज ऑल अबाउट द यूग्लिना। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेंबर। ओके तो नए मेंबर का वेलकम करते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड बेसिकली क्या होता है, मिक्सोमाइटा के जो फंगस की बेसिकली कैटेगरी होती है
मिक्सोमाइसिटिस। तो इसमें हम जनरली इसको रखते हैं मिक्सोमाइकोटा और या स्लाइम मोल्ड। तो मिक्सोमाइसिटिस में इसको हम रखते हैं, बिकॉज मैंने बताया था कि स्लाइम मोल्ड की बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टी होती है फंगस से मैच करती है। तो फंगस का एक ग्रुप है, ये दिख रहा है आपको, ये फंगस का एक ग्रुप है मिक्सोमाइसिटिस। ओके, तो इस मिक्सोमाइसिटिस में इन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। तो स्लाइम मोल्ड आर नॉट ए सेल, एक्चुअली दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये वर्ड याद रखिएगा, ये कोई सेल नहीं होती, सिर्फ इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। ओके, दैट्स व्हाई ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, क्रीप मतलब रेंगना। ओके, स्लाइम मोल्ड आर द सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, एक्चुअली दे आर द डिकम्पोजर। कह सकते हो ये नेचर में, हमारे नेचर में इकोलॉजिकली बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली दे आर द डिकम्पोजर। प्रीवियसली इट वॉज अज्यूम एज अ फंगस, बट स्लाइम मोल्ड शो द इंगेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट फंगस शो द एडसॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, जो मैंने बोला था ना कि कुछ प्रॉपर्टी मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है, तो उन प्रॉपर्टीज में से देखिए, ये जो स्लाइम मोल्ड होता है इंगेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, वाइल द फंगस शो करता है एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये करेक्टरिस्टिक इनमें मैच नहीं करती है, मतलब ये डिफरेंट हो जाती है करेक्टरिस्टिक्स। फर्दर आप फंगस में भी बहुत, फंगस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी स्लाइम मोल्ड के एग्जाम्पल्स आएंगे, बिकॉज बहुत सारा जो नेचर है उनका फंगस से मैच करता है, बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैच नहीं कर पाता। अब लेकिन इंडस्ट्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो ये ह्यूमन में मिलता है, तो मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन का भी शायद लिंक हो सकता है स्लाइम होल्ड का। ओके, सो दे आर लाइक ए जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर क्रीप ऑन द सरफेस ऑफ द वुड एंड द लीव। मतलब जेली होती है ना, जेली आप देखी होगी जेली, तो वो जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि वुड और लीव्स के ऊपर बेसिकली लाइक आपका क्रिप करता है। मतलब मान के चलिए कि ये कोई वुड है, मतलब सूखा तना, ठीक है, सूखा तना है, तो सूखे तने के ऊपर ये ऐसे क्रिप करते हैं, ऐसे 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 क्रिप करते हैं, धीरे धीरे अपने प्रोटोप्लाज्म को फैलाते हैं और कुछ टाइम के बाद में ये पूरे के पूरे स्टेम को कवर अप कर लेते हैं। एज इट द क्रीप ऑन द ड्राई स्टेम द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द वुड ऑल्सो इंक्रीज एंड द डाइजेस्ट ऑफ वुड। मतलब धीरे 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 प्रोटोप्लाज्म को फैलाते हैं और धीरे 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 पूरे वुड को खा लेते हैं। सो जनरली दे डोंट डाई इन एडवर्स कंडीशन। ये बहुत अच्छी खास बात है कि ये जनरली एडवर्स कंडीशन में इनकी डेथ नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एंड इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेयर होती है। ओके, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ओनली प्रोटोप्लाज्मिक लेयर है। ये देखिए, ये सिर्फ इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये पिक्चर हमने एनसीईआरटी से लिया है। फिर इसमें मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम प्लास्मोडियम कहते हैं। अब ये मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम ये नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। देखिए, ये मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है, ये रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड है। तो पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर हम मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर के बारे में जान पाएंगे। रिप्रोडक्शन बेसिकली दिस शो अंडर द टू कंडीशन, अंडर द फेवरेबल कंडीशन, अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन दे शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मैंने पहले ही बोला है कि ऑल काइंड ऑफ द माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म दे शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द अनफेवर सिचुएशन, और इन द फेवरेबल सिचुएशन वो उसे डिफरेंट टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, सॉरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा, मोस्ट ऑफ टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको अनफेवर सिचुएशंस में मिलेगा। अब अंडर द फेवरेबल कंडीशंस में वो क्या करते हैं, अंडर द फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन क्लास कॉल्ड ए प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट। देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, वो बेसिकली बनाते हैं फेवरेबल कंडीशंस के अंदर। क्या होता है कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक तरह का मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है। देखिए, स्लाइम मोल्ड है, प्रोटिस्टा का मेंबर है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है कि डिवीजन होके डिवाइड होता है और मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर धीरे 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 ग्रो करता है, और मतलब बहुत सेवरल फीट तक को, मतलब इतना ज्यादा ग्रो करता है मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, ग्रो करके कर कर करे पूरे लाइक एक लॉन्ग फिट तक को वो कवर कर लेता है। एक मतलब एक अगर एक स्टेम एक लॉन्ग फिट का है, बहुत बड़ा है, तो वो पूरा उसको कवर कर लेगा। द प्लाज्मोडियम इज अ मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इन द सेल इन विच द फ्री न्यूक्लियस डिवीजन अकर इन ए प्रोटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में फ्रीली डिवीजन होता है। अब फ्रीली डिवीजन जब होता है तो वो क्या होता है, एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है।
दिस मल्टी न्यूक्लियस सेल कॉल द सीनोसिटिक सेल्स, ये वर्ड याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके सीनोसिटिक सेल, ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा सीनोसिटिक सेल। एक दूसरी कंडीशन भी होती है सिंसाइजन सिचुएशंस, बट वो अभी नहीं पढ़ रहे, पहले हम पहले वर्ड पढ़ेंगे सीनोसाइटिक सिचुएशन सेल्स क्या होती है। देखिए सिनोसाइटिक सिचुएशंस में क्या होता है, ये जो सिचुएशंस होती है इसमें होता है क्या है, मल्टी न्यूक्लियस सेल्स में, इसमें न्यूक्लियस का फ्रीली डिवीजन होता है। न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, बट साइटोकाइनेसिस उसमें नहीं होता। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। देखिए अगर हम हमारे बॉडी में क्या होता है, जब हम सेल का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस होकर प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, तो दो सेल डिफरेंट अलग हो जाती हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बट उसके बाद का जो प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस वो नहीं होता, जिसके बाद वजह से आपको फ्री न्यूक्लियस कंडीशन दिखाई देती है। अगर सोचिए उसमें साइटोकाइनेसिस होता, मतलब न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में हमेशा साइटोकाइनेसिस होता है, ये एक जनरली प्रोसेस है जो ह्यूमंस में होता है। अब ये सोचिए अगर उसमें साइटोकाइनेसिस होता तो क्या होता, ये एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसके चारों तरफ एक साइट एक लेयर बन गई, एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ उसके चारों तरफ एक साइटोप्लाज्म की एक लेयर बन गई, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ उसके चारों तरफ एक साइटोप्लाज्म की लेयर बनती, तो फ्रीली न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता, लेकिन सिनोसिटिक सेल्स के अंदर ये सिचुएशन नहीं होती है। ओके समटाइम दिस डिवाइडेड न्यूक्लियस गेट सेपरेटेड एंड बिहेव लाइक ए अमोबिया लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द सूडो प्लाज्मोडियम। कभी कभी क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस क्या सेपरेटेड, जो डिवाइडेड न्यूक्लियस है ये सेपरेट हो जाते हैं और एक अमोबिया मतलब एक आपने देखा होगा अमीबा के जैसा एक मूवमेंट शो करते हैं, मतलब फ्रीली मूव करते हैं, एंड जिसको हम बोलते हैं सूडो प्लाज्मोडियम। अब ये क्या है, कैसे होता है, अभी हम देखेंगे। ओके फर्दर दिस प्लाज्मोडियम कन्वर्ट इन टू द मैच्योर स्लाइव मोल्ड। फिर जो बाद में ये जो प्लाज्मोडियम होता है एक मैच्योर स्लाइव मोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। ओके न्यूक्लियस इसमें ध्यान रखना माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होता है। जैसे देखिए एक बार मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ जिससे आपको समझना आसान होगा। देखिए न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये जो सेल होती है ये सेल आपके डिप्लॉयड होती है। तो होता है क्या है कि ये दो स्पोर्स बनते हैं। अब ये दो स्पोर कहाँ से आते हैं एक बार जस्ट सुन लीजिए, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि दो स्पोर कहाँ से आते हैं। तो पहले आप जस्ट एक सिंपल सा मेरा पॉइंट मुझे सुन लीजिए। सिचुएशंस क्या होती है कि दो स्पोर जो हैप्लॉयड होते हैं, मतलब जिसके अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है इसमें सिंगल सेट में होता है, ये दो स्पोर क्या होते हैं, दो या कह सकते हो कि जो हैप्लोइड स्पोर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब आपस में रिएक्ट करते हैं और एक जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके तो उस जायगोट से एक 2n सेल बनती है, ठीक है, ये एक 2n सेल है, मतलब इसमें अब n n n दोनों आपस में मिल गए तो अभी जायगोट बना। अब ये जायगोट के अंदर क्या होता है देखिए, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें फ्री न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन। ओके जिसकी वजह से जो फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं हम सिनोसिटिक सेल। देखिए इसमें कहीं साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता तो क्या होता है, इनके चारों तरफ अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता तो ऐसी कंडीशंस बनती, ठीक है, ऐसी बनती। बट ऐसा कहीं नहीं हुआ, देखिए ऐसा होता लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, दिस इज अ फ्री सेल्स कंडीशंस, क्लियर हो गया। अब उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है वो माइटोटिकली होता है, मतलब माइटोटिस के थ्रू होता है। अब ये माइटोटिस और ये मियोसिस दो लाइक एक रिप्रोडक्शन के पार्ट है, ठीक है, एक रिप्रोडक्शन के पार्ट है माइटोटिक डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। माइटोटिक में क्या होता है कि जो सेल्स का में जो क्रोमोजोम का जो नंबर है वो हमेशा सेम रहता है, मतलब क्रोमोजोम डिवाइड नहीं हुए। मियोसिस में क्या होता है, जो मियोसिस मियोसिस जब होती है
मियोसिस जब होती है, जो सेल्स क्या होती है आपस में, सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, बट यहाँ पे कहीं कोई क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ। क्रोमोसोम का ध्यान रखना, कोई नंबर हाफ नहीं हुआ है। सेल्स यहाँ पे में जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड हुआ है। ओके मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। फिर अब इसके बाद में क्या होता है कि, अब एक मिनट बताता हूँ आपको मैं, ये जो न्यूक्लियस होते हैं फ्री न्यूक्लियस हो जाते हैं, मतलब ये जो डिवाइडेड न्यूक्लियस हो जाते हैं ये फ्री हो जाते हैं। और फ्री होने के बाद में ये देखिए फ्री हो गए, न्यूक्लियस सारे फ्री हो गए, जिनको हम बोलते हैं सूडो प्लाज्मोडियम। और ये अमोबिया मोशन की तरह बिहेव कर, अमीबा की तरह बिहेव करते हैं, और बिहेव करने के बाद में ये एक मैच्योर स्लाइम मोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द, इट इज ऑल अबाउट द अंडर द फेवरेबल कंडीशन जो कि स्लाइम मोल्ड में होती है। यहाँ तक तो मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि चलो ऐसा कुछ होता है, आपने मेरी बात मान ली कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन जो आप ये बता रहे हो कि ये स्पोर्ट्स कैसे आए और ये कुछ अटपटा लग रहा है, ये कैसे, ये आपने नहीं बताया था प्रीवियस स्लाइड्स में, लेकिन ये आपने बताया वो चलो क्लियर हो गया कि सेल्स ही वो सिनोसेटिक कंडीशन से सूडो प्लाज्मोडियम बना जो कि मैच्योर स्लाइम मोल्ड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये टू स्पोर वो स्पोर ये समझ में नहीं आया, तो मैं ही समझाने के लिए आपको मेरा थोड़ी देर वेट करना होगा, ये भी मैं समझा दूंगा कैसे होता है। ओके स्लाइम मोल्ड रिप्रोडक्शन अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस, अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन दे शो द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ओके दे फॉर्म ए स्पोरेंजिया ऑन ए टॉप ऑफ द प्लाज्मोडियम। अब ये स्पोरेंजिया एक्चुअली क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी होती है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मियोसिस टेक प्लेस इन द स्पोरेंजिया एंड अ हैप्लोइड स्पोर फॉर्म। तो शायद आपको स्पोर, आप यहाँ वर्ड आपका मिलता है कि मियोसिस स्पोरेंजिया में मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस होता है तो मतलब देखिए स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया होता क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी। अब स्पोरेंजिया क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, ये भी मैं आपको सारा समझाऊंगा। डोंट वरी, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, वो मुझको लेनी है, आपको सिर्फ समझना है और हार्ड और मेहनत करनी है। स्पोरेंजिया एक तरह का मतलब डिप्लोइड स्ट्रक्चर है जिसमें मियोसिस होता है और सेल्स में उस क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, और जैसे कि मैंने बताया था ना हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं, तो यहाँ वो हैप्लोइड स्पोर बन रहे हैं। द सेल वॉल इट कैन बी ऑब्जर्व इन अ हैप्लोइड स्पोर। याद रखिएगा स्लाइम मोल्ड के पूरे जीवन काल में कहीं सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती एक्सेप्ट दैट द डिविजन, इसमें आपको लाइक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो सेल स्पोर्स अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस में बचा के रख सकते हैं। सो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ये है स्पोरेंजिया जिसमें एंजिया फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बनी, प्लाज्मोडियम तक तो स्ट्रक्चर क्लियर है कि जनरली एक 2n सेल होती है, 2n सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उस मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन हो गया बट आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो अब मान के चलो कि एक सेल थी, उसे मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, प्लाज्मोडियम बन गया। अब प्लाज्मोडियम के बाद कंडीशन अनफेवर हो गई, तो इसमें इट मीन्स वो सूडो प्लाज्मोडियम नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, अब वो प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया बना लेती है। उसको लगा कि भाई कंडीशन तो अनफेवर हो गई है बट अब रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, तो एक काम करते हैं, अब कंडीशन हमारे लिए खिलाफ है तो लाइक हमारा जिंदा रहना शायद पॉसिबल नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं सर्वाइवल का दूसरा तरीका देखते हैं। अब वो सर्वाइवल का दूसरा तरीका क्या है कि अपने ऊपर एक स्पोरेंजिया बना लिया प्लाज्मोडियम ने एज ए फ्रूटिंग बॉडीज। अब क्या होता है कि उससे उसमें मियोसिस होता है। देखिए मैंने पहले बोला था वो सेल आपकी 2n थी, आपका जो पहले जो याद है आपका 2n सेल था, डाइजाइगोट था, उस जाइगोट से मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था जो कि माइटोटिक था, लेकिन माइटोटिक था मतलब उसमें नंबर तो उस क्रोमोसोम के 2n ही थे, एन तो हुए नहीं थे। अब जो 2n था अब उसमें मियोसिस होता है मल्टा, अब उसका जो स्पोरेंजिया है उसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से ये बनते हैं आपके स्पोर एन, ठीक है, जो आपका अब आपका मियोसिस डिवीजन होता है, उस मियोसिस डिवीजन से स्पोर बनते हैं, एंड इस स्पोर के चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सेल वॉल को अब ये सस्टेनेबल सस्टेन करके रखती है इन अनफेवरेबल सिचुएशन। तो अब होता क्या है, ठीक है, देखिए होता क्या है, इन्होंने स्पोर बना लिए, अब ये जो स्पोर होते हैं, अब ये जो स्पोर होते हैं ये अनफेवरेबल सिचुएशन में अपने आप को सस्टेन रखते हैं, और ये स्पोर
आगे वर्क नहीं करेंगे जब तक कि वो अनफेवरेबल सिचुएशन फेवरेबल सिचुएशन में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब इन्होंने स्पोर बना इसने स्पोर बना के छोड़ दिए। अब जैसे ही समय चेंज हुआ, जैसे ही कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हुई, अब वो स्पोर क्या होते हैं, अपना आगे का काम करते हैं। अब वो अपना आगे का काम कैसे करते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं अब ये जाइगोट बनाते हैं। याद है वो स्पोर से जाइगोट बना था, मतलब यहाँ पे कंडीशन जो थी फेवरेबल हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, जाइगोट बनाया, सॉरी जाइगोट बनाया। अब वो जाइगोट बना के देखिए देखिए ये जाइगोट बन गया, फिर इसके बाद में सिनोसिटिक कंडीशंस बन गई, सिनोसिटिक कंडीशन सुडोप्लाज्मोडियम बन गया एंड वो दोबारा से स्लाइम मोल्ड में कन्वर्ट हो गए। इट मीन्स ये जो बेटा आपका ये जो स्पोर्स बन रहे होते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं, जस्ट वेट, ये जो स्पोर बनते हैं, ये स्पोर बने होते हैं, ओके, इन अनफेवरेबल कंडीशंस में। मतलब ये जो स्पोर आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको स्पोर दिख रहे हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन से बनते हैं। फिर वो अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही फेवर में कन्वर्ट होती है, देन वो जाइगोट का फॉर्मेशन बना के ये पूरा स्ट्रक्चर शो करते हैं। क्लियर हो गया, ज्यादा टफ नहीं है, बस समझने में थोड़ा सा समय चाहिए। ओके ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो ये वहीं से आ रहा है, प्लास्मोडियम से ही आपका बनता आ रहा है वो। अब लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, द प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द एनिमल्स। ओके, सभी जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड होते हैं, जैसे सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऑर्गेनिक टिश्यूज के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। प्रोटोजोआ इज यूबिक्यूटस इन द नेचर एंड द शो द वाइड वैरायटी इन द शेप। मतलब ये यूबिक्यूटस मतलब है सब जगह सर्वत्र प्रेजेंट है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शो अपने शेप को शो करते हैं। प्रोटोजोअन्स को लोकोमोशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोअन एंड सीलेटेड प्रोटोजोअन्स एंड द स्पोरोजोअन्स अकॉर्डिंग टू द लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के अकॉर्डिंग इनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड द मॉइस्ट सॉइल। ये ऑलमोस्ट सब जगह प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर द फ्री फ्यू ऑफ आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब फ्री लिविंग, एंड द फ्यू ऑफ आर द पैरासाइट्स। मतलब कुछ ऐसे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ ऐसे जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं जो दूसरों पे पैरासाइट्स की तरह वर्क करते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये नहीं है कि वो सनलाइट की तरह खुरफोना बना लेंगे, खाना बनाने के लिए तो डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन ये पैरासाइट्स और फ्री लिविंग दोनों का वर्ड डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। पैरासाइट्स एंड फ्री लिविंग है मतलब ये लाइक इनको फूड के लिए फूड चाहिए, ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट होती है, बट लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे कि पैरासिटिक अमोबिया के एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, दे मे ईट द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन एंड द आरबीसी एंड दे प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉज द अमोबिक डिसेंट्री। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये पैरासिटिक अमीबा का एग्जाम्पल है, पैरासिटिक अमोबिया का एग्जाम्पल है। ये जनरली देखिए ये प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, या अगर फ्रेश वाटर में कुछ डोमेस्टिक सीवेज को जब डिस्पोज कर दिया जाता है तो ये वहाँ ग्रो करने लगते हैं। ये क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में ये रहते हैं, और वहाँ जाके इसकी जो इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है उनको डैमेज करते हैं। तो जब डैमेज करने की वजह से उससे ब्लड बाहर आता है, और कभी कभी जिनको एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका का प्रॉब्लम होता है उनके स्टूल के साथ ब्लड बाहर आता है, बिकॉज वो इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा रप्चर कर देते हैं, ओके, जिसके साथ फीवर प्रॉब्लम भी आती है। ओके, ये कंडीशन नॉर्मली मिल जाएगी, डिसेंट्री प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, एंड अमीबा जिंजिवेलिस दे मे प्रोड्यूस द डिजीज इन द टीथ ऑफ द ह्यूमन। ओके, ये ह्यूमन की जो टीथ होती है उनके गम्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये लाइक जो टीथ है
डीथ में लाइक बिल्कुल लाइक उसको ब्लैकिश कर देते हैं, और ब्लैकिश करने का मतलब है उसको बिल्कुल उसके इनेमल को ख़त्म कर देते हैं, और इनेमल जब ख़त्म हो जाता है देन उसको पूरा डिमिनरलाइज कर देते हैं, देन क्या होता है कि पूरा वो दांत सड़ने लग जाता है, फिर एट द एंड उसको बाहर निकालना पड़ता है। ओके सो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स दे फॉर्म ए सूडोपोडिया, इसे बोलते हैं फॉल्स फीट, दो पर्पस के लिए बनाता है, एक होता है फूड को कैप्चर करने के लिए, दूसरा लोकोमोशन के लिए। अभी सूडोपोडिया कैसे बनाता है वो भी हम देखेंगे। सूडोपोडिया इज आउटग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ये टेम्परेरी आउटग्रोथ होती है। जैसे क्या होता है, ये अमोबिया है, इसको लाइक खाना खाना है, ये इसका खाना है, फॉर एन एग्जाम्पल कि ये उसका खाना है, ठीक है। अब इसको खाना खाना है तो क्या करेगा, अब ये फॉल्स फीट है, ये चलेगा कैसे, ये क्या करेगा अपना प्रोटोप्लाज्म बना देगा, अपना प्रोटोप्लाज्म को बोलेगा तुम बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ और फैलो, एक्सटेंड करो एक्सटेंड करो एक्सटेंड करो और फूड को अंदर ले लो, और जैसे फूड अंदर आया पोड़िया भी अंदर चला जाता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म भी अंदर चला जाता है। दे शो द क्रीपिंग मूवमेंट टुवर्ड्स द फूड एंड आफ्टर दैट दे एंगल्फ द फूड इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड डाइजेस्ट इट। ओके वैसे बॉडी में तो क्या सैली होती है इनके पास, और तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ह्यूमन के साथ में मैच करती है। दे हैव नो डिफाइंड शेप एक्सटेंड वन और द मैनी लोब्स सूडोपोडिया, इनमें कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है, और इनमें एक से ज़्यादा सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो सकता है। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस कॉल द रेडियोलोरियन प्रोटोजोअन्स, ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने एनसीईआरटी से लिया था। कुछ ऐसे रेडियोलोरियन प्रोटोजोअन्स होते हैं जिनकी जिनके सेल्स के ऊपर सिलिका की लेयर पाई जाती है। ऐसे बोला जाता है कि ये सिलिका की जो सरफेस है वो जनरली एडवर्स कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। ओके रेडियोलोरियन प्रोटोजोअन्स में ये देखिए, ये देखिए, ये आपका अमीबा है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं आपको ये एक्सटेंडेड प्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर फूड वैक्यूल है। क्या होता है कि जब ये सूडोपोडिया से अपना खाना अंदर की तरफ ले लेते हैं तो फूड को फूड वैक्यूल के फॉर्म में अंदर स्टोर कर लेते हैं, ओके, ताकि जब जरूरत लगे तो खाना खाते रहें। एग्जाम्पल के लिए एंड अमीबा हिस्टोलिटिका एंड अमोबिया प्रोटियंस इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा होता है फ्लेजिलेट प्रोटोजोअन्स, दिस मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आई द फ्री लिविंग पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, दे हैव अ फ्लेजिला एंड शो विप लाइक इमोशंस, फ्लेजिला इसमें होता है और विप लाइक मोशन शो करते हैं। पैरासिटिक फॉर्म द कॉज अ डिजीज सच एज अ स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल के लिए ट्रिप्नोसोमा। ओके ये एग्जाम्पल अच्छा है, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ट्रिप्नोसोमा ये स्लीपिंग सिकनेस का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब स्लीपिंग सिकनेस मतलब होता है नींद नहीं आती इसकी वजह से। ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक मतलब दूसरों पर डिपेंड होते हैं और हार्मफुली उसको डैमेज कर सकते हैं, और सिम्बायोन्ट, सिम्बायोन्ट मतलब ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं बट म्यूचुअल बेनिफिशन के लिए, दोनों एक दूसरे से कुछ आदान प्रदान करते हैं, एंड उनमें फ्लेजिला होता है और विप लाइक मोशन करते हैं। विप लाइक याद है, एक फ्लेजिला ऐसे एक फ्लेजिला ऐसे, दो एक एक्सेस की तरफ मूव करते हैं, इसे बोलते हैं विप लाइक मोशन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें रेयरली होता है। सिलिटेड प्रोटोजोन्स, सिलिटेड प्रोटोजोन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं जनरली होती हैं, ये एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए अमीबा हो सिलिया हो सिलिटेड प्रोटोजोन्स हो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स, उनमें लोकोमोशन के लिए सब कुछ उनके अंदर है। उसमें फ्लेजिले था, अमीबा के अंदर सूडोपोडिया था, इसके अंदर सीलिया है। दे आर एक्वेटिक एंड द एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द सीलिया एंड दिस सीलिया शो द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इन ए सिंगल डायरेक्शन। देखिए मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये दिख रहा है। ओके ये पैरामीशियम का एग्जाम्पल है, इसमें आपको चारों तरफ ऐसे हेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये हेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मतलब एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि आपने कुछ एग्जाम्पल पहले देखे होंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स पहले देखे होंगे, उन एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि एक ट्रांसवर्स फ्लेजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लेजिला होता है, वो फ्लेजिला किस में होता है, दोनों इस तरह के जो हेट्रोकॉन फ्लेजिला होते हैं उनका नाम प्लीज मुझे ऑर्गेनिज्म का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है, पता रहेगा आप कितना रियल में प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हेट्रोकॉन्ट ऑफ फ्लेजिला है, ये हेट्रोकॉन्ट फ्लेजिला बेसिकली होता क्या है कि एग्जाम्पल के लिए जरूरी नहीं है कि जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो नहीं होता वो हेट्रोकॉन्ट ही होता है, मतलब फ्लेजिला में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, मतलब एक फ्लेजिला यहाँ जा रहा होता है दूसरा फ्लेजिला यहाँ जा रहा होता है। सीलिया क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, मतलब एक साथ विप ऐसा मोशन करते हैं, सारा जो सीलिया होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ओके कोऑर्डिनेटेड होते हैं इसके ये सीलिया होते हैं।
इसमें एक इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है गर्ड। ये होता है क्या है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है आपके पैरामीशियम में, ठीक है। होता क्या है कि जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का, तो सीलिया के थ्रू क्या होता है, वाटर और कुछ फूड मटेरियल, कुछ जो फूड आता है वो फोर्स की तरह, फोर्स की वजह से, मतलब जैसे कि आप सीलिया जो मूव कर रहे हैं, तो सीलिया के फोर्स की वजह से वाटर एंड द फूड पार्टिकल अंदर की तरफ आते हैं। और ये जब अंदर की तरफ आते हैं, तो ये गल्ट की वजह साथ में, जैसे होता है माउथ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, इस गल्ट से अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। मतलब सीलिया के फोर्स की वजह से, सीलिया के फोर्स की वजह से गल्ट की में अंदर की तरफ आपके फूड चला जाता है, और वो जो फूड होता है फर्दर वो फूड वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नाउ द स्पोरोजोन्स, ये बेसिकली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म है, कुछ जैसे कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज ये शो करते हैं इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब ये जैसे कि प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल के बेस्ट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स होते हैं, ओके, ये प्रोटोजोन्स ही होते हैं। ये अपने लाइफ साइकिल में, जैसे कि फीवर, जो प्लाज्मोडियम जैसे कि फीवर होता है, ओके, मलेरिया होता है जिससे, तो ये अपने लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज शो करते हैं। दे ऑल आर द एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स मतलब ये बॉडी में आपके अंदर जाके एंड आपके लिविंग टिश्यूज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडियम मोस्ट नोटेरियस एग्जाम्पल है, ओके, जो कि मलेरिया प्रॉब्लम क्रिएट करता है और स्टैगरिंग इफेक्ट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन में। मतलब किसी एक को जब होता है तो उसे बहुत रैपिडली ये इंक्रीज करता है, ये पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को ये इन्फेक्ट कर सकता है। अदर अगर हम प्रॉपर्टीज में देखें, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। प्रोटोजोन्स में रेस्पिरेशन एक्सेट्रा को बाहर निकालने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ये सब वो सेल सरफेस के थ्रू ही गैसेस को एक्सचेंज करता है, सरफेस के थ्रू ही जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकाल देता है। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी इनमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले अभी देखा था, ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जुगलीना में, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसके ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फेवरेबल कंडीशन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अनफेवरेबल सिचुएशन। प्रोटोजोन्स में जनरली जो फेवरेबल कंडीशंस में वो फ्यूजन शो करते हैं। फ्यूजन मतलब होता है बाइनरी फ्यूजन, मतलब दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अमोबिया में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ओनली द पैरामीशियम दे शो द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द कॉन्जुगेशन प्रोसेस। ओके, कॉन्जुगेशन तो याद होगा आपको शायद ना। आज का हमारा ये लेक्चर भी ओवर हुआ, ओके। आज इस लेक्चर में हमने प्रोटिस्टा किंगडम को खत्म कर दिया, हमने प्रोटिस्टा किंगडम को ओवर कर दिया। अब हम रीड करेंगे अबाउट द फंगस किंगडम। लेट वी स्टार्ट अबाउट द फंगस किंगडम, ओके। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, ओके, वो सब सिक्वेंशियली हमने रीड किया है। आप भी सभी सिक्वेंशियली रीड कीजिए, सडनली बीच में से किसी को मत पिक कर लीजिए, अदरवाइज उस मेहनत का कोई भी फायदा नहीं होगा, उसका कोई आउटकम नहीं आएगा। तो इन केस फर्दर अगर आपको क्वेरी है तो आप हमसे प्लीज नीचे गिवन आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, हमें कमेंट में कोई भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कुछ अच्छा लगा या कुछ बुरा भी लगा, देखिए दोनों कंडीशंस में आप हमें प्लीज बता सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो हम उसको और अच्छा करेंगे, और अगर कुछ बुरा आपको लगा या कुछ कमेंट और अच्छा, मतलब कुछ पॉइंट हैं जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है, तो भी हम उसको अच्छा और करेंगे। दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमसे आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। हमसे मिलिएगा जरूर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।